सो गाइस, आज मैं दिल्ली में अकेला हूँ। अब पता नहीं भाई दिन कैसे कटेगा मेरा, कुछ कह नहीं सकता अब। मोटी बार फेंक रहा है, एक तो लक्ष्मी दे रहे हो, लक्ष्मी ले भी नहीं रहा है। क्या था भाई, नीचे लक्ष्मी ऐसी भाई, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिल रही। अब पता किधर बैठो भाई, मैं रोड पे दिखाऊं भाई। ये देखो भाई, इधर से गाड़ियां आ रही हैं और इधर हम बैठे हैं। यार मैं ना शायद रास्ता भूल गया, पुलिस वाले अंकल हैं, इनसे पूछते हैं ना, इन अंकल से पूछते हैं। सर इंडिया गेट जाने से कौन सा रास्ता होगा? लोग ना मुझे पागल समझ रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर रहा हूँ इधर। राजा पधार रहे हैं, देखो अब आराम से बैठते हैं इधर भाई, ऐसे अब आराम से पहुँचते रहेंगे ऊपर, कोई जल्दबाजी। भाई अंकल ने कहा था कि 10 मिनट का रास्ता है, मुझे 15 मिनट हो गए चलते चलते, अब तक लाल किला नहीं पहुंचा मैं। तो गाइस उस साइड पे लाल किला और इस साइड पे अपना शीतगंज गुरुद्वारा। तो भाई वो देखो शोरूम में पोर्श खड़ी है, देख रहे हो भाई, इधर भी पोर्श खड़ी है। So guys, फोटो तो खिंचवा ली, पर कहते हैं ना एकदम बेकार, इससे अच्छा यार मेरा आईफोन एक्स ही खींच देता। काम का मैंने 50 रुपीस अपने वेस्ट करा लिए, पता है इतना खड़ूस अंकल इतनी गंदी फोटो खींच के गया। भाई क्या कर सकते हैं अब, इधर तो सारा गिल्ला है, मैं किधर आ गया बातें करते करते। ये ओ भाई, हाँ इससे अच्छा यार मैं 50 रुपये का कुछ खा लेता, मैंने 50 रुपये फ़ोटो में बर्बाद करा दिए, पता है भाई। कोई बात नहीं। तो भाई अभी अभी फिलहाल अंकल से मैंने भेलपूरी बनवाई। भाई ये देखो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा फिलहाल, ये देखो भाई है ना, बस हम खाते हैं इसको मस्त होके, एकदम मस्त एकदम टनों के खाएंगे। ठंडी में ऊपर से धूप और हाथ में भेलपूरी, और क्या चाहिए यार। अब आराम से बैठेंगे इधर 1.5 घंटा आराम से, बिल्कुल इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है। अगर मज़ा आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई गिर गया, गंदा नहीं करेंगे, उठा के बैग में डाल देंगे, घर जाके फेंक देंगे डस्टबिन में, है ना। चलो भाई फिर गिर गया, सो गाइस खा ली। अब इसको ना कहीं व्लॉग में इसलिए जान के बना रहा हूँ भाई, फिर तुम कहो खा के इसको फेंक दिया, भाई फेंका नहीं है, हम इसको ऐसे करके अपना बैग के जो साइड की पॉकेट है ना यहाँ पे डाल देते हैं, ये ऐसे घर जाके फेंक देंगे आराम से। अब और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे ऐसे लेटना है। ओए होए होए, मज़ा आ गया भाई, लोग ना मुझे पागल समझ रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर रहा हूँ इधर, उनको क्या पता आप लोग मेरे साथ हो। बोर तो होने नहीं दे रहे, कसम से कह रहा हूँ बोर नहीं हो रहा मैं, कभी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कभी तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, चलते चलते तुम लोगों से बात कर रहा था, इतनी जल्दी पहुँच गया इंडिया गेट पे पता ही नहीं चला। एक होता बंदा बोर हो जाता है यार चलते चलते, यार मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा इंदिरा, भाई मैं बोर ही नहीं हुआ। फिलहाल पानी पीते, मिर्ची लगी इतनी तेज, पानी पीता हूँ पहले। ओ भाई तो गाइस मुझे आधा घंटा हो गया कम से कम बैठे हुए, और ना अपना मुझे ज़ोर से शुशु लग गया है भाई, वॉशरूम होकर आते हैं फिर आके दोबारा यहीं बैठेंगे।
अभी तो मुझे आधा घंटा ही हुआ है फिलहाल, आधा पौना घंटा हुआ है, वॉशरूम होकर फिर बैठ देंगे आराम से, है ना। अंकल वॉशरूम किधर है? वो सामने मुझे ब्लू बोर्ड लगा, ये नीचे उससे पहले, ये तो नीचे। अच्छा नीचे, नीचे की तरफ उतरोगे? ओके थैंक यू अंकल। एक तो यार मेरे को वॉशरूम ही नहीं पता किधर है। भागो, ये तो कार पार्किंग है यार, सारी पार्किंग है इधर ही, देखो मैं यूं इकल्ला इस पार्किंग में। ये रहा भाई वॉशरूम, ये रहा भाई, ये रहा। अब अंदर तो जाते हो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, अब मैं बाहर आता हूँ फिर मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली वॉशरूम होया है, अब अपनी जगह पे चलते हैं। अब मम्मी ने ना मुझे घर से लंच पैक करके दिया था कि भूख लगे तो खा लियो, मैं तो मना ही कर रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, पर मम्मी ने दे दिया और अब लंच काम आ रहा है। अब मुझे लग रही है भूख, और देखते हैं लंच में क्या है, फिर वही खाएंगे ना, जो भी होगा यार खाना तो पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है। अपना भी यार छाँव में बैठते हैं, धूप ना तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम देखो, ये देखो भाई 1:30 बनने वाले हैं भाई। अब किसी जगह पे बैठते हैं आराम से, वहाँ पे लंच करेंगे, फिर लंच करने के बाद आराम से मैं सोच रहा हूँ लाल किला निकलता है, लाल किला यहाँ से पास ही है यार, लाल किले में लाल किले चलेंगे इसके बाद। पहले तो भाई खाना खाऊं फिर बाद की बात में सोचेंगे, है ना। सो गाइस मैंने अपने कान में देख रहे हो ना, ये लगा लिया भाई दोनों कान में, आराम से कान में सुनेंगे और अपना खाना देखते हैं खाने में क्या है आज, है ना। आज मैंने क्या बोला, आज खाने में क्या है आज, ये कहना चाहिए कि क्या मिल रही है मम्मी, है ना। संतरा, संतरे का हैं भाई, संतरे को चम्मच के साथ खाऊंगा? नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक 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 मजाक। तो गाइस ये रहा मेरा लंच, पॉलिथीन में पैक होकर आया अच्छे से, देख रहे हो मज़ा आ गया, पैक को रखते हैं साइड, और जैकेट को इसमें ठूस देते हैं, गर्मी इतनी हो रही है ना कसम से जैकेट पहनने का मन भी नहीं कर रहा, सुबह इतनी ठंड थी जैकेट में भी ठंड लग रही थी, और अब बैग में डाल लिया पन्नी है ना, खोलू खोलू भाई, ये देखो टंटड़ंग, ओ भाई पुलाव, ओए होए होए होए, मस्त होके खाएंगे अब गाने सुनते हुए, है ना। सो गाइस लंच हमने कर लिया, भाई इधर कर रहा था देखो बिल्कुल सफाई कर दी, है ना। अब चलते हैं फिलहाल बस पकड़ते हैं, भाई देखो जब हम आए थे ना तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, और अब देखो भाई कितनी भीड़ है, देखो लंच टाइम हो गया ना इनका, तो भाई लंच करने आया, हमारा लंच हो भी गया और लंच करने आए, भाई टाइम देखो 2 बनने वाले हैं, देख रहे हो। और भाई अब हम जाएंगे लाल किले, भाई बस स्टैंड हमारा वो रहा, जाएंगे हम बस से, वो देखो भाई बस खड़ी है, वहाँ से हम जाएंगे सीधा लाल किले की बस पकड़ेंगे, सीधा लाल किला, है ना। चलते हैं फिलहाल, भाई मज़े आ रहे हैं बहुत, होप करता हूँ तुम्हें भी आ रहे होंगे, और भाई एक संतरा है इसको भी खाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, चलते हैं। तो गाइस बाय बाय करते हैं इस जगह को, है ना भाई, बाय बाय करते हैं, अब हम जाएंगे अपनी नई लोकेशन पे, वो लोकेशन मैंने बता दिया भाई, लाल किला बस का वेट कर रहे हैं भाई, देख लो भाई बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बस आते ही चढ़ जाएंगे बस में। जज्बात में खो लेना हो मेरी हेर हो ना खफा। सो गाइस बस से हम यहां उतर गए,
भाई बस ने आगे से मुड़ जाना था बैक साइड के लिए, इसलिए हम यहीं पर उतर गए, वरना भाई बैक साइड पे चले जाती हम घूम नहीं पाते लाल किला। अब लाल किला घूमेंगे फिर फटाफट से घर चले जाएंगे, है ना भाई। टाइम देखो कितना हो गया, देख रहे हो भाई 3:30 हो गए यहीं पे, क्या कर सकते हैं। बस ही नहीं मिल रही थी, मिली तो भाई कहाँ की मिली। अब यहाँ से 15 मिनट का पैदल का रास्ता है, अब पैदल चलेंगे फिर पहुँचेंगे। भाई अंकल ने कहा था कि 10 मिनट का रास्ता है, मुझे 15 मिनट हो गए चलते चलते, अब तक लाल किला नहीं पहुँचा मैं। 15 मिनट हो गए लिटरली भाई चलते चलते, पर लाल किला नहीं दिख रहा मुझे कहाँ है, इसलिए भाई। सो गाइस ये चेक करो भाई, पैरट ही पैरट है, वो देखो भाई कितने सारे पैरट ही पैरट, देख लो पास चल के दिखाता हूँ भाई, ये देखो कितने सारे हैं, ये देखो भाई साहब, ये देखो वीडियो ना बना। सोना बेच रहे अंकल, कह रहे वीडियो ना बनाओ, असली है कह रहा वीडियो ना बनाओ, सोना बेच रहे अंकल भाई, वीडियो नहीं बनानी। तो गाइस मैंने इस पूरी मार्केट का व्लॉग बना रखा है, ये देख लो इस पूरी मार्केट का व्लॉग बना रखा है मैंने, और भाई जिसने नहीं देखा वो व्लॉग मेरा वो जाके वो व्लॉग देखो, मैंने ये पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर रखी है, पूरी लाल किले की मार्केट है, और लाल किले भी हम पहुंच चुके हैं भाई, वो देखो वो रहा रेड फोर्ट, वो देखो भाई दीवार दिख रही है अभी, मेन जो है भाई पेड़ों के पीछे है, पेड़ों के पीछे दिखाई देगा, और भैया ओ भाई। तो गाइस चेक करो पहुंच गए लाल किले, ए अंकल ये देखो भाई लाल किले पहुँच गए, अबे अंकल भाई ये देखो गाइस लाल किले पहुँच गए फाइनली, हो हमारे पूरे दिन की तीसरी जगह, अभी चौथी जगह भी सोची है, टाइम होगा तो जाएंगे। सो गाइस मेरे पीछे जो है भाई लाल किला है, लाल किले तो हम घूम रखे हैं, लाल किले नहीं जा रहे भाई, यहाँ पे मैं 4 दिन पहले भी आया था और भाई यहाँ पे ना आग लग रखी थी अंदर मार्केट में, तो भाई वो मार्केट एक बार दोबारा देखने जा रहा हूँ, मेरे सुनने में आया कि अभी भी आग नहीं बुझी, हफ्ता होने वाला है, क्योंकि जब मैंने वो व्लॉग बनाने गया था ना मार्केट में जब आग लगी थी, तो उधर मैंने किसी से पूछा था कि 3 दिन से आग कंटिन्यू लगी हुई है, और अब शायद उस बात को हफ्ता हो गया, हफ्ता आग को, भाई फायर ब्रिगेड तो खड़ी हुई है मेरे ख्याल से, फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है भाई, पर आग का कुछ ही नहीं कह सकता। तो गाइस चेक करो भाई, एक फायर ब्रिगेड ये खड़ी, एक फायर ब्रिगेड वो खड़ी, भाई इसका भी मैंने व्लॉग बना रखा है, यहाँ पे जब आग लगी थी ना भाई मैंने व्लॉग उसका बना रखा है पूरा, भाई वो भी जाके देखना है ना भाई, ये देखो आगे। तो गाइस बाहर आ गए भाई, इसका मैंने पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बना लिया भाई, वो आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में जाके देखना भाई, ये जो है ना भाई फन ख़त्म हो जाएगा, वरना सारे मेरे मूड की ऐसी तैसी हो गई भाई, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, क्योंकि इसमें हंसी मजाक हुआ है ना भाई, उसमें लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया भाई, 100-150 दुकानें ना बंद है इस समय पे, और काफ़ी दुकानें टूट के गिर गई घरमाट से भाई, मेरा देख के सिर हिल गया, और वहाँ पे हमें एक भैया मिले, उन भैया ने कुछ क्लिप सेंड करी है मेरे व्हाट्सएप पे भाई, वहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको उस व्लॉग में, देखना कैसे आग लगी हुई थी भाई, मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। और गाइस ये देखो शीशगंज गुरुद्वारे पहुँच गए, गुरुद्वारे उस सामने अपने लाल किला, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से कुछ ऐसे रखे, और अरे भाई वो देखो, अब यार इधर पेड़ आ रहा है। सो गाइस उस साइड पे लाल किला और इस साइड पे अपना शीशगंज गुरुद्वारा। सो गाइस अभी हम इस पे बैठे हैं भाई, ये देखो इस पे बैठे हैं अभी हम भाई, सामने कुल्फी की रेडी है अपनी, मम्मी को बारकोड भेज दिया पेटीएम का, ये वाला बारकोड था भेज दिया बारकोड का है ना, अब मम्मी कर दी है पेटीएम, और हम लेते हैं कुल्फी बढ़िया वाली है ना, जब तक पेटीएम कर रही है तब तक बैठ जाते हैं, जैसे पेटीएम हो जाएंगे मैसेज आ जाएगा, फिर हम उसकी कुल्फी लेकर अपना आगे चलेंगे। भैया जी आ गए 30 रुपये दे दो, हाँ 30 वाली दो आ गई, ये चेक करो ये निकल गई दूध में डूबोते हैं क्या, हाँ थैंक यू। हाँ अब फुल मज़े लेते हुए देख अब कनॉट प्लेस चलते हैं, अब तुम कहोगे भाई बड़ा पागल है
कनॉट प्लेस सुबह नहीं घूम सकता था जब मैं राजीव चौक गया था, अब दोबारा जा रहा हूँ भाई, कुछ कह नहीं सकता, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है, मैं मेट्रो में बैठे बैठे भी आगे निकल जाऊँगा। मज़ा आ गया वैसे, वे, वे, अंकल कहते मज़ा आ गया, वे। ओ भाई यहाँ पर सीधा घर ही चलते हैं मैं ना। हाँ भाई, सो गाइस आइसक्रीम खा लिया, आइसक्रीम ले लिया, अब आइसक्रीम खाते खाते अब चलते हैं सीधा घर पे, मेट्रो में चलते हैं। अब भाई पूरा दिन देख रहे हो भाई, सुबह 8 बजे से शाम हो गई, टाइम अभी दिखाता हूँ। देख रहे हो चाल चार भाई, 4:30 ब्लॉगर लाइफ ऐसी होती है भाई, एक हाथ ही ब्लॉगर के पास हमेशा एक हाथ में कैमरा ही होता है। इतने लोग घूर घूर के देख रहे हैं ना मुझे, क्या कर क्या रहा है ये पागल है, उनको नहीं पता अभी। भाई ये ना मेट्रो स्टेशन लाल किले का, अंदर चलते हैं सीधा घर की मेट्रो पकड़ते हैं अपनी, और फिर क्या, फिर घर पे जाएंगे। सो गाइस इस मशीन से निकालना पड़ेगा इधर, तो भाई इधर कहीं पे भी काउंटर नहीं है, काउंटर है पर इधर काउंटर चलता नहीं है, मशीन से ही निकालना पड़ेगा यार। सो गाइस यूज़ करते हैं इस मशीन को, बताओ यार इंग्लिश पे सेट करो टोकन, हमने जाना है रजौरी गार्डन, रजौरी 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 येरा, ये रजौरी गार्डन रजौरी गार्डन रजौरी येरा रजौरी गार्डन। भाई एक टिकट लेंगे अपनी, ये क्या कह रहे हैं उसको डालते है ना, ये चला रहा डाल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, चेंज मांग रहा है, वैसे नहीं जाएंगे, एक और बार ट्राई करें, अभी ले ले अंदर असली पागल। अच्छा हटाओ फिर नकली, ये सही पागल बनती है, ये सही है भाई असली, नोटी बाहर फेंक रहा है, एक तो लक्ष्मी दे रहे हो, लक्ष्मी ले भी नहीं रहा है, कहता भाई नीचे है लक्ष्मी ऐसी, हम वो तो भाई नकली सिक्का भी ले लें कम से कम, आ तो नहीं है। सो गाइस फाइनली टोकन मिल गया, इतनी बार मत्था मारने के बाद किसी और भैया से करवाया, वो नोट लेता ही नहीं, पुराने नोट लेता है वो भाई, किसी और से करवाया और मिल गया टोकन, अबे नए तरीके का है तो खुल गया भाई, बंद हो रहा हो गया भाई, नई तरीके का था पहली बार देखा है, ओए ओए क्या हवा आ रही है भाई, भाई क्या हवा आ रही है, देख रहे हो उड़ जाऊंगा मैं। एंट्री हो गई, अब यहाँ से मेट्रो चेंज करनी है ब्लू लाइन के लिए भाई, ओए गोली घूम गया मैं, असली मसली भाई, भीड़ देखो यार भीड़ देखो, लिटरली पहले भीड़ जान दो फिर जाएंगे आराम से, है ना भाई, चली गई सारी भीड़, खाली हो गया बिल्कुल, अब हम पैर रखते हैं अपना, राजा पधार रहे हैं, एक दो अब आराम से बैठते हैं इधर भाई ऐसे, अब आराम से पहुँचते रहेंगे ऊपर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, आराम से, वो देखो भाई वो भी बैठ गए, सारे बैठ गए, देख रहे हो भाई सारे कैसे देख रहे हैं, वो पता चले डूई आ रहा है इसमें। ओ भाई भाई इतनी तेज चल रही है भाई, बाहर भी नहीं चलती इतनी तेज, अंडरग्राउंड हवा चल रही है, ये रजौरी गार्डन जाएगी अंकल, ये रजौरी गार्डन जाएगी, अबे वो यही जाएगी वो,
ओए सही पागल हूँ भाई, मेट्रो आ गई। चलो भाई चलो भाई असली। सो गाइस अभी हम दोबारा उतर गए भाई, बैठने की जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी भाई, पैरों की ना धजियाँ उड़ गई हैं, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। सो गाइस आ गई मेट्रो, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना था, ले लिया, अब चलते हैं फटाफट से मेट्रो में भाई। गिम्बल भाई मेट्रो ना छूटता है बस। ओ यार अभी भी इतनी भीड़ है, देख रहे हो भाई मेट्रो में भीड़ चेक कर रहे। ओ भाई साहब भाई से अगली वाली में बैठेंगे, बहुत भीड़ है बहुत भाई। इस वाली मेट्रो में पक्का चढ़ जाएंगे, अब कुछ भी कह लो अब इस वाली मेट्रो में चढ़ जाएंगे भाई। बहुत लेट हो गया भाई, टाइम देखो 5 बज गए भाई, अब इस वाली मेट्रो में चढ़ जाएंगे बिल्कुल बिना सोचे कुछ समझे। खाली पहुंच गए अपनी जगह पे, चलो चलो भाई। तो भाई अभी हम घर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं मम्मी के ऑफिस के बाहर, क्योंकि मम्मी की होने वाली है छुट्टी, है ना, मम्मी की छुट्टी होने वाली है, मम्मी के साथ ही घर चल लेंगे, क्योंकि बाहर रास्ते में ही पड़ता है ना मम्मी का ऑफिस, तो मम्मी के ऑफिस ही आ गया। अब सीधा मम्मी का वेट करते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं, देखो भाई दिख रहा भाई 6 बजने वाले हैं, बज चुके नहीं हैं भाई, बजने वाले हैं, वेट कर लेंगे 5-10 मिनट, है ना भाई। पहुँच तो चुके हैं, अब आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता, मेट्रो से उतरते ही है पर आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता। सो गाइस फाइनली मम्मी मिल गई भाई, अब घर जा रहे हैं सीधा, और क्या करेंगे भाई, घर ही जाएंगे, घर जाएंगे सीधा, फिर आराम से सो जाएंगे भाई, मज़ा आ गया मेरे को तो घूम के।